और ये पूछना चाहते हैं आपसे, कानून को ताक पर रखकर आज भारत सरकार फैसले ले जा रही है क्या? जी ये बहुत अच्छा सवाल है कि कानून का तो इस समय ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे मतलब हाई कोर्ट का फैसला हो, या संवैधानिक मतलब जो कानून है उन सबको उसका पालन ही नहीं किया जा रहा। ये कानून से उठ करके मतलब उसको किया जा रहा है। अभी राम मंदिर की बात चल रही थी, कह रहे कि राम मंदिर अगर नहीं करना चाहते हैं तो धमकी दे रहे हैं आरएसएस के लोग उसको कि हम ये क्या नाम है अध्यादेश जारी करके उसको करवा लेना चाहिए, कैसे नहीं करेंगे। तो ये तो एक तरह से ज़बरदस्ती करके कानून के ऊपर भी ये आना चाहते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो जो मनुस्मृति का जो संविधान था उसको फॉलो करना चाहते हैं, भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए संविधान को लेकर के आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्रदर्शन, रैलियाँ ये सब हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, कहीं लिंचिंग हो रहा है, उसके लिए भी जिसको मर्जी होती है उसको फंसा दिया जाता है। जो नेता अगर इनके समर्थन में नहीं बोलता है उस नेता के ऊपर CBI लगा दी जाती है। तो ये सब सारा कानून को मतलब ताक पर रख के हो रहा है और ये ऐसा माहौल लग रहा है जैसे इमरजेंसी में कभी हम लोगों ने देखा था, उसी तरह का ये अघोषित एक इमरजेंसी जैसी लग रही है। और इसका मैं समझता हूँ जो खामियाजा उस समय इमरजेंसी वाले लगाने वाले लोगों को उठाना पड़ा था, उसी तरह से इनके लिए भी उठाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया आपने बताया और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे खुद सवाल पूछना चाहूँगा, जो ये आरक्षण जो ये विधेयक लेकर आ रहे हैं 10% का, तो इससे किस जाति को विशेष फायदा होगा और या जिस जाति को वो देना चाहते हैं उसको फायदा भी होगा या नहीं होगा? जी ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और अभी हमने बार बार इसके बारे में जिक्र किया, जैसे आंकड़ा आपको बताया अभी कि 1935 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो इस देश में जो ब्राह्मण हैं उनके लिए अभी हमने जो आरक्षण का इतिहास बता रहे थे कि तमिलनाडु में खुद इनको पहले 20% आरक्षण मिलता था। इनके लिए जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 35 में जो नौकरियों में जो इनकी हिस्सेदारी थी वो मात्र 3% हिस्सेदारी थी और आबादी भी 3.5% इनकी थी। आज भी उनकी आबादी 3.5% है, क्योंकि मैंने अभी 10% का जो डेटा आपको बताया है तो उसमें ब्राह्मण की आबादी 3.5%, उसके अलावा उसमें अपने क्षत्रिय और वैश्य भी दोनों को शामिल कर लेते हैं तो 10% हो जाते हैं। लेकिन मजे की चीज़ यह है कि इसमें अकेले ब्राह्मणों का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी उदित राज जी ने भी बताया है कि अकेले ब्राह्मणों का डेटा दिया कि 3600 में से 2600 अकेले ब्राह्मण हैं। इसी तरह से जुडिशरी में आप देखेंगे तो जुडिशरी का आप डेटा मेरे पास है, अभी इसमें हम लोगों ने अभी दिया था एक संविधान के ऊपर सेमिनार किया था तो उसमें ये दिया था कि जो वर्किंग स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में वो 25 है और 25 में से जो OBC हैं दो OBC हैं उसमें और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों को मिलाकर के एक भी नहीं है, 0 है। और बाकी जो जो सवर्ण हिंदू हैं उसमें 16 लोग हैं, यानी 16 लोगों का मतलब है कि उसमें उनका 64% शेयर बनता है। और हाई कोर्ट जो टोटल हाई कोर्ट में जो वैकेंसी हैं इस समय 1079 वैकेंसी हैं, उसमें 645 जो है काम कर रहे हैं वर्किंग में हैं जजेज, उसमें से 490 सवर्ण हैं, 645 में से 490 सवर्ण हैं। और इसमें जो परसेंट बनता है उनका 76% बनता है और इसी तरह से 76-77% जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उसमें भी सवर्ण हैं। तो जब इनका ऑलरेडी 77% 76% ये जब देख रहे हैं और आबादी 10% और इनका आरक्षण 77%, तो इनको क्या मतलब फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? इसके अलावा जो दूसरे संसाधन हैं चाहे ज़मीन हो चाहे आपकी पूंजी हो, पूंजी का मैंने बताया आपको 1% लोगों के पास में 73% पूंजी है, तो सारे संसाधन तो इन्हीं के पास में हैं। तो ये बाकी तो लोग जो हैं उनको तो मजदूर बना कर रखा हुआ है SC ST OBC और ये है, तो इनको जो राजनीतिक रूप से ठीक है
प्रशासनिक रूप से और न्यायिक सेवाओं में, शैक्षिक रूप से उनके कुलपति देखे जाएं, उनके प्रोफेसर देखे जाएं, सब इन्हीं के हैं, ये तो फायदा एंजॉय कर ही रहे हैं इनका। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक रूप से जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार उनको दिया तो उनको बताया था कि जिस दिन आप संगठित हो जाओगे उस दिन इस देश के शासक बन जाओगे। उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सूत्रों के लिए कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि तुम इस देश के शासनकर्ता जमात हो। और मैं समझता हूँ कि ये 2019 जो आ रहा है तो मोदी जी ने इनको संगठित करने का काम किया है। फायदा तो क्या होगा, ना इसमें ब्राह्मणों का फायदा होगा नौकरियों में, ना मतलब उनका तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनको 60% आरक्षण मिलना चाहिए, 60% हिस्सा मिलना चाहिए, उनका हिस्सा काट करके ये सवर्णों को देना चाहते हैं। तो मेन लड़ाई तो ओबीसी की है और प्रधानमंत्री भी बड़े मजे की बात है इस समय ओबीसी के हैं। तो वो जो ओबीसी को लिए जो उन्होंने उनके साथ में जो अन्याय किया है इसका खामियाजा उन्हें 2019 के इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है और जो भारी नुकसान जो होगा वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को होगा, क्योंकि दोनों सवर्णों को रिप्रेजेंट करती हैं और ये बीज जो है खाली बीजेपी का बोया हुआ नहीं है, ये बीज जो है 1991 में ये अपने नरसिंह राव जी ने बोया था और उस बीज को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी नरसिंह राव की है और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे उनकी नौकरियों की पॉलिसी हो। हर साल नौकरियों में से 5% पद काट दिए जाते हैं जितने रिटायर होते हैं, तो सरकारी नौकरियों को भी काटा जा रहा है, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। जो ठेकेदारी प्रथा है उसको लागू कर दिया गया है, ठेकेदारी प्रथा में जैसे इंजीनियर जो पास होता है उसको 50,000 मिलना चाहिए और उसको 5,000 मिल रहे हैं, ठेके पे नौकरी कर रहा है, तो एक तरह से उसका शोषण हो रहा है और उसका डेटा दे दिया जाता है कि ये नौकरी कर रहा है, ये रोजगार इसको मिल गया है। लेकिन ये जो उससे 50,000 वाले को जो 5,000 दिया जाता है तो जो बीच में 45,000 का जो गैप है, ये गैप जो है इनके कॉरपोरेट घराने हैं उनके घर में चला जाता है, इसीलिए उनकी पूंजी आपका जो 48% से बढ़कर के जो 73% जो पूंजी हुई है ये ठेका मजदूरों के शोषण का।